गया था, बट मैं इसे चलाऊंगा नहीं, ड्राइव नहीं करूंगा गाइस। सॉरी, हाँ, गोल्ड वैक्स का पॉलिश और गोल्ड वैक्स की वैक्स से चेकआउट करो कितना लग रहा है इसके में और इसमें पॉलिश एंड विदाउट पॉलिश। सो है गाइस, ये है सेंट्रो का पार्ट टू और इसमें मैं चेंज करने वाला हूँ इसके व्हील कवर। अगर आप देख सकते हो तो ये है व्हील कैप और मैंने एक पहले चेंज करके रखा था, तो मैंने चेक करने के लिए, तो ये पुराना वाला व्हील कैप है, इसकी हालत देख सकते हो आप। सो अब करें क्या, इसे अब मैं लाया हूँ पॉलिश वैक्स है ये और पॉलिश भी लाया था मैं, तो ये है पॉलिश और बाकी इसमें व्हील कवर पड़े हुए हैं। सो अब चलते हैं व्हील कवर लगाते हैं और मैं बता दूँ, ये व्हील कवर मैंने कश्मीरी गेट से ख़रीदे हैं और ये मुझे अराउंड पड़े हैं 250 के पड़े थे ये मुझे क्रॉल बा सॉरी कश्मीरी गेट से। जेन्युइन नहीं है, लोकल ही हैं उस तरह के। सो 2007 मॉडल का है, 3 साल इसमें चलना है। सो अभी आप पहले वाले व्हील कैप की हालत देख सकते हो कैसे। सो ये है जैक, अभी उठाता हूँ इसको गाड़ी को और उसके बाद मैं आपको चेकआउट करता हूँ। सो ये देखो एक बार कंडीशन देखो, टायर की कितना गंदा हो रखा था। सो ये सिल्वर रिम है इसमें जो है, इसमें ब्लैक नहीं रखी थी। सो अभी अगर जैसे सिंपली जाता हूँ मैं, इसको धोता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसा आ रहा है धोने के बाद, टायर वगैरह सब धो दिए पूरा। सो अगर मेरे पास अभी स्प्रे पेंट है नहीं, अगर ब्लैक स्प्रे पेंट होता तो मैं इसमें ब्लैक स्प्रे पेंट कर देता, बट अभी मेरे पास पड़ा नहीं है ब्लैक स्प्रे पेंट। जब कभी भी आएगा मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कर दूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। सो अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला व्हील कवर जो कि ये पड़ा है। सो डिफरेंस आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो डिफरेंस आपके सामने ही, जो ये बॉडी कलर से मैच हो रखा है, एक बार आप देखो। तो अब इसको जल्दी से लगाते हैं, एक बार फिटिंग करके मैं दिखाता हूँ नॉर्मली कैसे आता है। एक मिनट, ये हाँ। सो कुछ इस तरह लगता है ये और मैं सीधा आपको फिटिंग करके ही दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह आया ये, बस देखो उसकी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे भी लगा दिया मैंने। सो अच्छा लग रहा है, एक अच्छी लुक आ रही जो पहले टूटे हुए से थे उनसे, तो अच्छी है। सो अब चलते हैं दूसरे वाले टायर की तरफ, जो दूसरी तरफ दो टायर जो बचे हैं। सो ये है वो टायर। सो अब मैं कुछ आपको ट्रांसलेशन की तरह दिखाता हूँ। एक नहीं हुआ, फिर से देखो ये गया आया, हाँ। सो कैसा लग रहा है, सारे टायर कंप्लीट हो चुके, चारों टायर हो गए हैं आपके लिए, तो थोड़ी देर बहुत टाइम लग गया। सो भाई चेकआउट करो, मैंने एक बार ऐसी उल्टी रिम लगा रखी है, नेगेटिव रिंग अगर रिम आकर कहो। सो जस्ट फॉर फन था, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं इसे चलाऊँ, सिर्फ फन के लिए मैंने इसे लगाया था, बट मैं इसे चलाऊँगा नहीं, ड्राइव नहीं करूँगा। ये सिंपली मैंने ऐसे ही लगा के देखा था कि कैसा लुक आता है। सो चलो अब बढ़ते हैं, आपको मैं पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ। सो वॉक अराउंड दिखाने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 2 हफ्ते बाद। सो इसके जो है टायर वगैरह जो है पूरे गंदे हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो पूरा। सो आज मैं क्या करूँगा, उसे वॉश करूँगा अच्छी तरह पूरा, फिर आपको वॉश करूँगा, पॉलिश करूँगा, सब कुछ करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। सो पहले मैं वॉश कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो वॉश करके कुछ ऐसी लुक आ रही है अभी, जैसे आप देख सकते हो। सो अच्छा लग रहा है, अभी पॉलिश नहीं करा है मैं, पॉलिश करूँगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कौन सा पॉलिश मैंने करा, वो मैंने आपको जो शुरू वीडियो की शुरुआत में बताया था वही पॉलिश लगाया और वैक्स। तो ये पड़ा है वैक्स, वो वैक्स गोल्ड वैक्स का ही, सॉरी हाँ, गोल्ड वैक्स का पॉलिश और गोल्ड वैक्स की वैक्स ही। सो मैंने अभी क्या करा था, डैशबोर्ड में मारा था इंटीरियर में, बस डैशबोर्ड में करा था, बाकी मैं एक्सटीरियर अभी कर रहा था साफ, तो मैंने एक्सटीरियर में करा है जहाँ पे ब्लैक रैप जो मैंने करा था, इसकी वीडियो आपके पास पड़ी होगी, नहीं तो आई बटन मारी होगी। सो यहाँ पे मैंने ब्लैक करा, पॉलिश करा था, पॉलिश करने से काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं आपको आफ्टर बिफोर का दिखाता हूँ। सो ये देखो, ये पैनल भी कई लोग नहीं करते, तो एक बार पैनल को चेकआउट करो, रुको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। हाँ, सो पैनल को चेकआउट करो ये, और दूसरी साइड वाला, और इस साइड की बात करें तो इस साइड मैंने अभी नहीं मारी है, वो पॉलिश नहीं करा है, इस साइड में करा है, ये मिरर के पास भी नहीं करा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ बैक में जो है, मैंने इस पर मार दिया ह्यूंडई के लोगों पे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर बिफोर का उस साइड सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो बट लुक चेकआउट करो, लुक क्या सॉरी मतलब डिफरेंस चेकआउट करो कितना लग रहा है इसके में और इसमें पॉलिश एंड विदाउट पॉलिश। सो अब एक बार बिडिंग का भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है विदाउट पॉलिश, और एक बार फोकस सुन दो, हाँ। सो ये है विदाउट पॉलिश और ये है पॉलिश। सो डिफरेंस आपके सामने ही है। सो पॉलिश करने से एकदम
अलग ही लुक आ रही है, अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो अभी टायरों में करना बाकी है, बाकी इसके अंदर भी इसमें भी डिफरेंस आप चाहो। तो सबसे मेन चीज़ जिसके पास सेंटर होगी उनको पता होगा, जो नंबर प्लेट के नीचे जगह होती है जहाँ पे फॉग लैंप लगते हैं, ये बहुत हार्ड होती है क्लीन करना, ये दोबारा वैसी हो जाएगी। बट फिर भी अगर कर रहे हो तो इसको भी कुछ छोड़े तो इसको मैं करूँगा पूरा साफ़, और फिर मैं आपको एक बार लुक दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। तो एक बार चेकआउट कर लो, इसके अंदर प्रेशर होने लगे हुए हैं। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट, और टायर में मैंने कर दिया है, उतना अच्छी तरह नहीं कर रहा टायर में, बट फिर भी जितना हो सका मैंने उतना कर दिया। सो चेकआउट करो, काफ़ी अच्छी तरह फिटिंग आई है इनकी। अगर व्हील कैप की बात करें तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको एक बार रोल ऑन करके दिखाता हूँ, मतलब चला के दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कैसे लुक। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको सेंटर के ऊपर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और मिलती रहें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो से। टिल देन बाय, टेक केयर, और पार्ट 3 जल्दी आए।